हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 20% की छूट मेकिंग चार्ज पर। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़ NH57 दरभंगा, फ्री होम डिलीवरी, कैटरिंग सर्विसेज, बैंक्वेट हॉल। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल मिर्जापुर चौक दरभंगा। दरभंगा में खरीदिए अपना फ्लैट, तेजस्वी फातिमा इलियास अपार्टमेंट, बल्लोपुर एकमी लहरिया सराय दरभंगा, फ्री कार फॉर एवरी फ्लैट बुकिंग। दरभंगा में दिन दहाड़े पिस्तौल के बल पर लुटेरे करोड़ों का सोना लूट गए। एक पखवाड़े पहले 9 दिसंबर को दरभंगा टावर के निकट अवस्थित बड़ा बाजार में मिसर्स अलंकार सोने चांदी के थोक विक्रेता के यहां दिन दहाड़े या कहें तो सुबह सुबह दर्जन भर से अधिक अपराधियों ने धावा बोला और पिस्तौल के बल पर करोड़ों का सोना और नकदी लूटकर आराम से चलते गए। घटना के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन में आया। स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले के उद्भेदन में रुचि ली। कुछ कथित लुटेरों को गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया, लेकिन एक सवाल जो अब भी यक्ष प्रश्न की तरह मुंहबाए खड़ा है कि आखिर लूटा गया सोना कहाँ और कहाँ है असली लुटेरे। जिस व्यवसायी का सोना लूटा, रुपए लूटे, उसे इंतजार है मामले के उद्भेदन का, अपने लूटे हुए सोने की बरामदगी का। केवल वह व्यवसायी ही नहीं, पूरा शहर इस मामले के उद्भेदन की बाट जोह रहा है। लेकिन 15 दिनों से भी अधिक का वक्त बीत जाने के बावजूद पुलिस कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई। हालांकि पीड़ित व्यवसायी को पूरी आस है कि लूटे हुए सोने की बरामदगी जरूर होगी। पुलिस भी बार बार यह दम्भ भर रही है कि सोना भी बरामद होगा और लुटेरे भी पकड़े जाएंगे, बस उसके हाथ उस असली लुटेरे के गिरेबान तक पहुंचने भर की देर है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जिस लूट के मामले के उद्भेदन को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सूबे के मुखिया गहरी रुचि ले रहे हैं, SIT की टीम लगी हो, दरभंगा पुलिस लगी हो, खास तौर से कई जिलों की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर लूट के मामले के उद्भेदन में लगी हो, असली अपराधियों को पकड़ने में लगी हो, उसके अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ने पर गहरा रोष है व्यवसायियों में। व्यवसायी आतंकित हैं, खुलकर व्यवसाय नहीं कर पा रहे और सवाल फिर वही कि आखिर इस लूट के मामले का उद्भेदन कब होगा, असली लुटेरे कब पकड़े जाएंगे, सोना कब बरामद होगा।